To be here, I feel very honored and privileged, honestly, to be in the room full of these amazing, beautiful, talented people. बहुत ही अच्छा, I think, initiative है ये awards, you know, awarding films that are made under a certain budget. क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि कभी-कभी films niche films होती है, you know, we kind of contain the budget for a reason. क्योंकि हमें लगता है या you know, the tighter you make it, the more possibility for it to do well. But all these films you see like Razi, Stree. बधाई हो स्मॉलर बजट बट ऑल्सो फिल्म दैट हैव गॉटन सो मच लव कमर्शियली सो एक्चुअली यू नो द ट्रूथ इज दैट अ कमर्शियल फिल्म ट्रूली इज जस्ट अ स्टोरी कमर्शियल फिल्म स्टोरी होती है और फिर उसके बाद आगे जो होता है होता है अरे पर अभी तो शुरू हुई है मैंने पहले भी कहा इट्स जस्ट बिगन There's lots more to do, but yeah, it's any definitely started on a very, very positive. आप बुला सकते हो, मैं तो नहीं बुलाऊंगी खुद को. हाँ, तो क्या बोलूँ मैं? झुमके के बारे में बहुत सुंदर हैं मेरे ख्याल से. मैं आज सब्यासाची पहन रही हूँ. उन्होंने पूरा लुक मुझे डिजाइन करके भेजा है. और हाँ, मुझे अभी मज़ा आ रहा है अभी साड़ी वाड़ी पहन रही हूँ 26 ईयर्स की हो गई हूँ बड़ी हो गई फर्स्ट क्लास गेटी में हाँ वो बहुत ज़बरदस्त था ना मुझे वही करना है एक्चुअली लाइफ में I mean, there's the whole film where we're performing, so you will get to see that. Hopefully, that should be. But I think, as I said, it's as he said, अभी बस दूसरा song launch हुआ है. बहुत सारे गाने आने वाले. The title track is going to be out soon. जो actually मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त track है. It's one of my favorite songs in the album. तो हाँ, मैं actually कलंक के बारे में बहुत बातें कर सकती हूँ. I think I'll always be try to be responsible as a citizen of India, whether I'm a big star or not. That too goes without saying. Na, everybody should be a responsible citizen. Why just me? Thank you. Come.
खाली पूरा भीड़। हेलो, आज अवार्ड में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? विनर्स एंड लूजर्स। नहीं, लूजर्स कुछ नहीं होते। अवार्ड इज अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल ग्रेट फिल्म्स बीइंग सेलिब्रेटेड, बीइंग अप्रिशिएटेड, ऑल द इनक्रेडिबल टैलेंट दैट हैव मेड फिल्म इन द लास्ट ईयर कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट व्हाट दे हैव डन, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड आई लाइक दैट दिस इज सेलिब्रेटिंग द मोर सो कॉल्ड सब्सटेंस सिनेमा विच आई फील इज द रियल सिनेमा। सो या, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सबके लिए ताली बजाना है जी। हाँ, हाउ मच आई बिलीव इन इट, मतलब बेस्ट एक्टर मल्टीप्लेक्स, बेस्ट एक्टर सिंगल स्क्रीन, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे कैटेगरीज होने के लिए, बट आई थिंक बेस्ट एक्टर, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं एक साल में, और ये थोड़ा सा डेटेड हो गया कि पहले पैरेलल फिल्म्स और कमर्शियल फिल्म्स में एक पहले दरार थी, एक डिस्टेंस थी, अभी वो नहीं रही है, तो आई थिंक दे कैन ड्रॉप दैट कैटेगरी। I think we both have been in a very different space in life. Hence there are no comparisons. मेरे आउटफिट के बारे में मेरी जान, सो there's a German designer जिसकी मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है, पीछे से फ्रिल्स नज़र नहीं आ रही हैं उसके, because I'm wearing a jacket. So there's a brand called Simon Carter. उसने मुझे ब्रांड टी-शर्ट भेजी है, जैकेट भेजी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी ये पहन के। जो मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं ये कहीं ना कहीं से शहद ले आएंगे। सॉरी भैया को यार स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, कपड़े नहीं दिखाता। हाँ ठीक है, लव यू पाजी, यहाँ पे आना है। There you go. Yeah. Thank you so much. Love you, buddy. I feel like an award myself. Shantanu Nikhil ne ye outfit design kiya hai. It's inspired by a sari and it's absolutely beautiful. Well, I am really looking forward to tonight because I am on the jury. It's been incredible experience working with the jury members on identifying the talent, both in the technical side and also the performers. This past year has been phenomenal for films that are below 25 crores. क्योंकि ये फिल्में जब बनती थी पहले तो उनकी ऑडियंस छोटी हुआ करती थी, और पहली बार इतनी तादाद में इतनी सारी फिल्में जो छोटी बजट की बनी हैं, इतना बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने धूम मचाया, तो वही फिल्म आज यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं।
और जैसे कि हम जानते हैं रील अवार्ड्स इज अबाउट सेलिब्रेटिंग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, जो फिल्में 25 करोड़ से कम में बनती हैं उन्हें सेलिब्रेट करना, और खुशी की बात यह है कि ऑडियंस भी इन्हीं फिल्मों को सेलिब्रेट करती है। आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो शुरू करने वाली हूँ 1st of April से। इनफैक्ट हिमाचल के लिए निकल जाऊँगी मैं। इस वक्त हमारे वर्कशॉप्स और रीडिंग्स चल रहे हैं। ये जो शो है एक ट्रू लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है, और जो किरदार मैं निभा रही हूँ वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही खूबसूरत है, और मैं इस शो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। So sorry, so sorry, so sorry. Drama. So sorry, we need to.